हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं वासु, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया फ़ोन लेके हाजिर हूँ। आज हम जानने वाले हैं Redmi Note 7 के बारे में। ये Redmi Note 7 Xiaomi का सब ब्रांड है। Xiaomi को पता है इंडिया में कैसे फ़ोन को लॉन्च करना है और प्राइस को कैसे एग्रेसिव रखना है, तो इसके हिसाब से और एक बजट फ़ोन को इंडियन मार्केट में लाने वाला है। ये फरवरी 5 को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। उससे पहले इस फ़ोन के फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है और इसका प्राइस क्या है, चलो देखते हैं। दोस्तों, इस फ़ोन में क्या हाइलाइट्स आप देखेंगे, तो इसमें पहले 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलने वाला है और वाटर ड्रॉप शेप नॉच आपको देखने को मिलता है इस फ़ोन में, और स्नैपड्रैगन 660 का एक अच्छा सा प्रोसेसर भी इसमें देखने को मिल रहा है। और इसमें और एक अच्छी बात यह है, आपको 5000 mAh बैटरी और USB-C टाइप रिवर्सेबल कनेक्टर आपको चार्जिंग के लिए इसमें मिल रहा है। ये था इस फ़ोन में मेन हाइलाइट्स। दोस्तों, इस फ़ोन के फीचर स्पेसिफिकेशन को एक एक करके देखेंगे, तो पहले हम इस फ़ोन के बिल्ड के बारे में देखेंगे। तो इस फ़ोन में एल्यूमिनियम बॉडी और बैक में ग्लास का फिनिश आपको देखने को मिल रहा है और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है। दोस्तों, ये एक अच्छी बात है क्योंकि Xiaomi में आप देख सकते हैं जो बहुत सारे फ़ोनों में मेटल का जो बैक पैनल देख के सभी को बोर हो गया था, तो उसको इधर चेंज करने का कोशिश कर रहा है Xiaomi ने, तो इसीलिए Redmi में वो ग्लास का फिनिश दिया है। ये दिखने में बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रीमियम भी हो सकता है। तो इसमें अभी इस फ़ोन के वेट आप देखेंगे तो 186 ग्राम वेट में है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें बैटरी 4000 mAh बैटरी का आपको देखने को मिल रहा है और इसमें थोड़ा ग्लास भी यूज़ किया गया, इसी की वजह से इसका थोड़ा वज़न थोड़ा 186 ग्राम तक आ गया है दोस्तों, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। और इसमें आपको हाइब्रिड का सिम मिलने वाला है, ड्यूअल सिम तो आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन देर इज़ नो डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलता, तो या आप तो ये दो सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड के साथ तो चलाना पड़ता है। ये था दोस्तों इस फ़ोन के बिल्ड के बारे में। अभी इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में आप देखेंगे तो IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन आपको इसमें दिया गया है और 6.3 स्क्रीन साइज़ के साथ। इस फ़ोन के डिस्प्ले आप देखेंगे तो आपको वाटर ड्रॉप शेप वाला नॉच देखेगा, ये तो बहुत अच्छा बात है दोस्तों, क्योंकि ये तो ट्रेंड है आजकल, जो भी फ़ोन निकल रहा है सभी में आपको नॉच देखने को मिल रहा है। इसमें भी इसे नॉच आप देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड है और ये आपका फ़ोन दिखने में भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो और एक अच्छी बात यह है, आपको वीडियो सभी देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि थोड़ा ही जगह में ये नॉच होता है, इसीलिए बाकी सभी जगह में आप आराम से वीडियोस देख सकते हैं, तो वीडियो एक्सपीरियंस तो बढ़िया हो सकता है इसमें। इस फ़ोन के रेजोल्यूशन आप देखेंगे तो 1080x2340 पिक्सल्स में आपको मिल रहा है और पिक्सल डेंसिटी आप देखेंगे तो 409 में आपको मिल रहा है और इसमें मल्टी टच भी आपको सपोर्ट करने वाला है दोस्तों। ये था दोस्तों इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। अभी हम आगे के देखेंगे तो इस फोन के प्लेटफॉर्म के बारे में हम देखेंगे तो आपको एंड्रॉयड 9 मिल रहा है दोस्तों, बॉक्स के साथ ही लेटेस्ट वर्शन आपको बॉक्स के साथ में मिल रहा है। और आपका ये MIUI देखेंगे तो भाई वो भी लेटेस्ट आपको मिल रहा है, MIUI 10 आपको मिल रहा है। ये आपको इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी कर सकता है। ये Xiaomi का MIUI आपको नया अपडेट आपको साथ ही मिल रहा है, बॉक्स के साथ ही मिल रहा है। और इस फ़ोन के चिपसेट आप देखेंगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660, ये एक ज़बरदस्त प्रोसेसर है, ये अच्छा प्रोसेसर माना जा सकता है। आफ्टर 636 के बाद ये 660 एक अच्छा प्रोसेसर बोल सकते हैं जो बजट फ़ोनों में यूज़ कर रहे हैं, एक ज़बरदस्त प्रोसेसर भी आपको इसके साथ में मिलने वाला है। आप CPU इधर देखेंगे तो आपको ऑक्टोकोर का CPU इसमें मिल रहा है और GPU या ग्राफिक्स कार्ड इसमें देखेंगे तो एंड्रेनो फाइटो के साथ ये मिल रहा है। दोस्तों, इस फ़ोन में मेमोरी आप देखेंगे तो इस आपको 3GB, 4GB, 6GB तीन वेरिएंट्स आपको देखने को मिल रहा है। 3GB में आपको 32GB इंटरनल मेमोरी मिला, तो 4GB में आपको 64GB इंटरनल मेमोरी मिल रहा है और 6GB में भी आपको 64GB इंटरनल मेमोरी मिल रहा है। इसमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है लेकिन ये तो हाइब्रिड सिम है, मतलब एक सिम कार्ड के साथ ये मेमोरी कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अप टू
256 GB तक आप एक्सटर्नल मेमोरी भी एक्सपैंड भी इसमें कर सकते हैं। ये था दोस्तों इस फोन के मेमोरी के बारे में। अभी इस फोन के कैमरे के बारे में आप देखेंगे तो आपको 48 MP का कैमरा मिल रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेन कैमरा में आप देखेंगे तो 48 MP प्लस 5 MP का ड्यूअल कैमरा इसमें देख सकते हैं। 48 MP के कैमरा में आपको 1.8 अपर्चर के साथ मिल रहा है और 5 MP आपको 2.4 अपर्चर के साथ मिल रहा है। इसमें आप 5 MP ने डेप्थ सेंसर का काम किया तो 48 MP आपको फोटोज और वीडियो शूट करने में मदद करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 48 MP का कैमरा यूज़ किया गया है, तो इसका परफॉर्मेंस कैसे होगा आगे जाके हम देखना है। और इसमें आप देखेंगे तो LED फ्लैश ऑटो फोकस भी आपको मिल रहा है। इसमें 4K वीडियोस आप शूट नहीं कर सकते लेकिन फुल HD वीडियोस इसमें आराम से शूट कर सकते हैं। ये था मेन कैमरा। अभी सेल्फी कैमरे के बारे में आप देखेंगे तो आपको 13 MP के कैमरा मिल रहा है 2.0 अपर्चर के साथ, और इसमें भी आप फुल HD वीडियोस को आराम से शूट भी कर सकते। और दोस्तों इस फोन में कॉमन क्या है आप देखेंगे तो वाईफाई, ब्लूटूथ, FM रेडियो, GPS भी आप इसमें देख सकते हैं, और जो सभी जॉमी फ़ोन उनमें आप देख सकते हैं ये इंफ्रारेड पोर्ट उसको भी इसमें आप देख सकते हैं, वो भी इसमें दिया गया है। और इसमें अच्छी बात ये है इसमें आपको USB रिवर्सेबल कनेक्टर देखने को मिल रहा है। यस फ्रेंड्स, इसमें रिवर्सेबल सी टाइप दिया गया है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि एक अच्छा बजट फ़ोन में, एक बजट फ़ोन में आपको रिवर्सेबल USB-C टाइप वाला कनेक्टर मिलना तो बड़ी बात है। तो Xiaomi ने अच्छा सोच समझ कर ये स्टेप्स लिया है क्योंकि इंडियन मार्केट और इंडियन जो कंज्यूमर्स है उनको कैसा पसंद है, क्या देना है, इनको ठीक से पता है, इसीलिए ये सोच समझ कर ये एक पावर पैक बनाया है इस फ़ोन में, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है, आपको रिवर्सिबल सी टाइप का कनेक्टर मिल रहा है। और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में आप देखेंगे तो रेयर माउंटेड में दिए गए हैं इजे एक्सेस करने के लिए, और इसके साथ भी आपको फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो आपका कन्वीनियंट कैसे है ऐसे आप यूज़ सकते हैं, या फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं या फेस अनलॉकिंग, तो आपका कन्वीनियंट कैसे है ऐसे आप इस फ़ोन को यूज़ भी कर सकते हैं। और एक अच्छी बात इसमें ये है इसमें आपको 4000 mAh बैटरी मिल रहा है, ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि 4000 mAh मिनिमम 1.5 डे आपको बैटरी बैकअप देता है, इसीलिए आपका आपको बार बार रिचार्ज करने का दिक्कत नहीं आएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन मैं बोल सकता हूँ। सो ये फ़ोन आप देखेंगे तो ज़बरदस्त है, मुझे लगता है ये तो पावर पैक है, इसके कैमरा क्लिक हो गया तो ये फ़ोन तो ज़बरदस्त हिट हो जाएगा इंडिया में। तो देखते हैं ये फ़ोन कैसे होगा लॉन्च होने के बाद, इसका फीचर स्पेसिफिकेशन और इसका जो परफॉर्मेंस कैसे होगा देखेंगे। तो ये था दोस्तों रेडमी नोट 7 के फीचर स्पेसिफिकेशन। और इस फ़ोन के प्राइस के बारे में आप देखेंगे तो आपको 3 वेरिएंट्स इसमें देखने को मिल रहा है, वो 3 GB रैम में 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये फ़ोन आपको 10,500 में मिल रहा है, और 4 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला आपको 12,500 में मिला, तो 6 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला आपको 14,500 में मिल रहा है दोस्तों। ये था दोस्तों ये एक्सपेक्टेड प्राइस इसके। तो देखते हैं Xiaomi कैसे प्राइस को बनाता है, सेम प्राइस रख रहा है या इससे भी कम दाम में देने के लिए कोशिश कर रहा है देखेंगे। लेकिन तो Xiaomi 100% प्राइस को अग्रेसिव रखेगा और इंडियन मार्केट को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा दोस्तों। यह था दोस्तों Redmi Note 7 के फीचर स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल।